हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर 62 दादरी विधानसभा अंतर्गत संत जेवियर्स स्कूल, यहाँ आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ हमारे साथ जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उनके अनुभवों को जान रहे थे कि मतदान के बाद कितनी संतुष्टि मिलती है और क्या उत्साह होता है मतदान को लेकर, उस समय हमने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति, जो एक ये उन लोगों के लिए जो अपने घरों से नहीं निकलते हैं मतदान करने के लिए, उनके लिए बहुत ही मेरे ख्याल से प्रेरणा का काम करेगा। अब देखेंगे किस प्रकार से दोनों लोग आके सुबह सुबह पहले इन्होंने मतदान किया है और वो जो प्रशासन का टैगलाइन है पहले मतदान फिर जलपान वाली बात को इन्होंने अक्षरशः पालन किया है और उस चीज़ को दिखाया है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका कहना क्या है मतदान को लेकर और आज मतदान करके कितनी संतुष्टि मिल रही है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? आज आपने मतदान किया, आप दोनों लोग मतदान किए, कैसा लगता है मतदान करने के बाद? बहुत अच्छा। जो लोग घर से नहीं निकलते मतदान नहीं करते, मैं क्या कहना चाहूँगा? सभी को आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि 5 साल की भी गवर्नमेंट पर जो आपके भाग्य का निर्णय करने वाले आपको काम तो करना चाहिए, किसी को भी बने, गवर्नमेंट किसी भी बने जी, लेकिन मतदान अपना मत को देना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के जो व्यवस्था है जमात जो है वो कैसा है? अगर 10 नंबर कहें तो कितना देंगे? 9 नंबर। एक मिनट में मैडम से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है मैम? शशि। आप दोनों लोग हैं, सुबह सुबह आके आपने मतदान किया है, आखिर कैसा लगता है, क्या संतुष्टि मिलती है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो महिलाएं हैं जो घर में जी और जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, जो नहीं आ पाती हैं मतदान करने, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लूजर। मैम, यहाँ अंदर में कोरोना महामारी के लेकर जो कई सारे प्रोटोकॉल हैं उसका कैसा पालन किया जा रहा है? सब अच्छा होगा। कैमरा सहयोगी कृष्ण सनस के साथ रंजन अभिषेक, 10 न्यूज़, दादरी।